केडी सिंह बाबू के स्टेडियम जो यहाँ का सबसे पुराना स्टेडियम है, कोच हैं बब्बू भैया, हम उनसे बात करते हैं। बब्बू भैया, क्या माहौल है लखनऊ का मैच को लेकर, इतने साल बाद हो रहा है और भारत पाकिस्तान का हो रहा है, आपकी नज़र में क्या चीज़ें हैं? आप सड़कों पे देख सकते हैं, आज लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी मैच का इंतज़ार करते हैं। और ये मैच हम लोगों के लिए बहुत प्रेस्टीजियस होता है, और कम से कम इंडिया और पाकिस्तान के मैच में ऐसा जोश होता है लोगों के अंदर कि कोई भी आज बाहर नहीं निकलेगा और अपने पूरे परिवार के साथ इस मैच का इंतज़ार कर रहा है। आज सुबह से स्टेडियम में क्या माहौल रहा, तो कोच है वहाँ के? आज स्टेडियम में सारे उत्तर प्रदेश के, हमारे लखनऊ शहर के रहने वाले अच्छे खिलाड़ी सारे इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने सिर्फ इसी पर डिस्कस चल रहा था कि इंडियन टीम का क्या पोजीशन है और पाकिस्तान टीम का क्या पोजीशन है। तो जो इंडियन टीम की ऑन पेपर पोजीशन है वो तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 20 ओवर के खेल में दो ओवर, तीन ओवर के बीच में और दो तीन विकेट के बीच में मैच बदलता भी है, लेकिन इंडियन टीम बहुत नीचे तक बहुत गहरी टीम है और पूरी उम्मीद है कि इंडिया ही मैच जीतेगी। हमारे साथ राजेंद्र सौमित्र हैं, सौमित्र स्पोर्ट्स कोटे से यहाँ यूपी 19 अंडर 19 के खिलाड़ी रहे, और स्पोर्ट्स कोटे से इनको आरबीआई में नौकरी मिली है। आरबीआई में आपको बता दें कि जो इस समय टीम में मेंबर हैं वो भी आरबीआई में नौकरी कर रहे हैं। हम सौमित्र से बात करते हैं। सौमित्र, आज क्रिकेट टीम में आपके साथ काम करने वाले कोई सदस्य हैं? केएल राहुल और ईशान किशन दो हमारे आरबीआई के खिलाड़ी हैं, जो अभी 3-4 साल पहले उन्होंने हमारे साथ आरबीआई ज्वाइन किया और मेरे साथ खेलते हैं। अच्छा जी, तो आपको बड़ा फक्र महसूस हो रहा होगा, भारत पाकिस्तान का मैच दुबई में हो रहा है, तो आज मतलब करिए, आज बस इंडिया अगर जीत लेती है तो उसके बाद नामीबिया से भी हार जाएगी तो दुख नहीं होगा, वर्ल्ड कप आए ना आए बस आज का मैच आज जीतना जरूरी है किसी भी हाल। पिछला रिकॉर्ड तो इंडिया का लगातार, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, लगातार जीतते रहे, कई बार पटकनी दी है, तो आज क्या आपको मन में कुछ शंका है जीतने की? बाबर आजम और रिजवान अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए, वो साउथ अफ्रीका गए थे उसमें भी उन्होंने अच्छा किया था, तो दो मेन प्लेयर पाकिस्तान के ये हैं और इंडिया के लिए जडेजा ट्रम्प का। अच्छा विवेक, इनसे ये जरूर जानिए है कि ये भावना इसका बेसिस क्या है? विवेक, इन्होंने अभी कहा कि सारे मुकाबले भारत हार जाए, नामीबिया से हार जाए, कप मिले ना मिले, लेकिन आज का मैच जीतना जरूरी है, इस जज्बात का आधार क्या है? हमारे एंकर राजेंद्र देव जी हैं, वो जानना चाहते हैं कि इसका क्या आधार है कि नामीबिया से चाहे हार जाए लेकिन पाकिस्तान से ज़रूर जीते, इसके पीछे क्या फील है? सर, पाकिस्तान से हम किसी भी हालत में हार नहीं सकते, वो 2017 का फाइनल अभी भी वो ऐसा लगता है कि किसी ने खंजर भोंका हुआ है, वो भी निकला नहीं है, वो निकलेगा इस बार के वर्ल्ड कप से ही। ये खंजर वाली बात है, हमारे साथ बहुत पुराने क्रिकेटर हैं और इस समय सचिव भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि क्या फील है? हम लोगों की तो फील हमेशा हिंदुस्तान के लिए ही रहेगी सर, इस देश में रहते हैं तो हम चाहेंगे और खेल अच्छा हो लेकिन जीते हमारी इंडिया। सौमित्र ने कहा पाकिस्तान को चाहे हरा दें चाहे नामीबिया से हार जाए लेकिन पाकिस्तान को ज़रूर हराना है। हाँ नहीं नहीं, वो तो खैर सही बात है सर, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। अच्छा तो इंडिया अच्छा खेलेगी? बिल्कुल खेलेगी, हम लोगों को 100% वो है श्योर कि जीतेगी भी इंडिया। आप क्या सोचते हैं, इंडिया आज पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है इतने दिनों बाद, क्या? हम तो यही चाहते हैं कि इंडिया जीते और इंडिया ही जीतेगी। अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो? वो तो फिर अब मैच है उसके बारे में तो कुछ, ये लोग गुस्से में टीवी भी फोड़ देते हैं ना। वो तो खैर पाकिस्तान वाले फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। पाकिस्तान वाले टीवी फोड़ेंगे। आप बताइए, आप तो आप जीतेगी तो क्या करेंगे, इंडिया जीती है? नहीं साहब, मैं तो बहुत खुशी बनाऊंगा कि जितना हो सके भारत को आगे कर लिए। जश्न की तैयारी है? बिल्कुल 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 है सर। क्या होगा आज शाम? सब पटाखे फोड़े जाएंगे साहब, पटाखे और क्या, बहुत प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ठीक है विवेक, बहुत बहुत जी राजेंद्र, देखिए जश्न की तैयारी है और पटाखे फोड़ने की भी तैयारी है। बिल्कुल 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 विवेक, हमने सबकी भावनाएं देखी और सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, और इंडिया का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, हम कोई मैच हारे नहीं है विश्व कप का, चाहे 2020 का विश्व कप हो या 50 ओवर्स का विश्व कप हो, हम कोई मुकाबला हारे नहीं है, खुशी और ये उत्साह बिल्कुल बनता है। नीतीश के पास चलेंगे वाराणसी। वाराणसी में नीतीश, आप बात कर रहे थे वहां पर गंगा तट पर लोग गाकर उत्साह व्यक्त कर रहे थे, गाकर भारत की जीत की शुभकामनाएं दे रहे थे, अब तो मुकाबला बहुत करीब आ गया है, अभी भी वही उत्साह है या और ज्यादा हो चुका है? राजेंद्र जी, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है उत्साह बढ़ता जा रहा है, और सामने वाली टीम भी कुछ ऐसी है कि हर किसी के दिल में बस एक ही ख्वाहिश है कि इससे जीत लो चाहे आगे जो